Brother Sibber will be translating. And let's look to the Lord that he may reveal his wondrous truths from the chapter 6 of John and 7, which we will be considering today. और बहुत बहुत भाई दशरथ फॉर जो सुंदर स्वागत के लिए और उसके साथ साथ मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ कि प्रभु ने ऐसा एक अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए दिया है। आज जो विषय है हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था और उसके साथ साथ 7वां अध्याय को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। So in verse 48 of chapter 6, he makes another statement which says, I am that bread of life. और 48वां पद में हम लोग एक और ऐसा जो वाक्य का वचन को हम लोग देख सकते हैं, जीवन का रोटी मैं हूं करके यहाँ पर एक और दावा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। He says, I am the living bread which came down from heaven. वो यहाँ पर ये दावा करते हैं, जीवन का रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उत्तरी है करके वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। So he who eats this bread, do not eat the bread as the Israelites did. They ate of the manna and they died. और यहाँ पर जो है जो लोग ये रोटी को खाते हैं वे लोग इज़राइल के समान नहीं जो मन्ना को खा करके वे सब के सब मर गए। So we see that he who eats this bread will live forever. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देख सकते हैं, जो लोग ये रोटी को खाएंगे वो जो है सर्वदा के लिए अनंतता के लिए वो जीवित रहेगा, इस बात को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। If somebody would come and give you a tablet today, Brother Sibber, if you eat this tablet, you will never die. You will live forever. Will you take it or leave it? मान के चलो कि कोई व्यक्ति आ करके आपको एक गोली देता है, एक टैबलेट देता है कि इसको तुम खा लेना, क्योंकि ये जो टैबलेट है इसको खाओगे तो आप अनंतता के लिए आप जीवित रहोगे, उसको आप खाओगे या फिर छोड़ दोगे? Tell me your own honest answer. आप लोग अपना खुद का जो है उत्तर आप लोग बताइए। Yeah. Will you eat it or not? जवाब दीजिए, आप लोग खाओगे उस गोली को या नहीं? Anyway, let me see let me think what I will do. If Brother Sibber gave me a tablet which I would eat and then I live forever, I will cut it into many pieces and give it to my wife first, then my children, my parents. Yeah. Sibber, can you hear me, brother? Yes, I can hear you. Yeah. So I was saying that... Yeah, so I do not know what all answers came, that you can keep a track. But if I get one tablet from you, I'll cut it into small pieces and give it to everybody in my family. At least they'll also live with me forever. Otherwise, I'll be alone. और क्या होगा, मुझे यदि ऐसा गोली मिलता है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस गोली को टुकड़ा टुकड़ा करूंगा और सभी लोगों को छोटे छोटे टुकड़े करके जो है सभी लोगों को, मैं बच्चों को, बीवी को, सभी को मैं बांट दूंगा। यदि मैं अकेला खा जाऊंगा तो अकेला जीता रहूंगा, सबके सब मर जाएंगे, इसीलिए सभी लोगों को मैं बांट करके दे दूंगा करके अंकल कहते हैं। So Jesus offers us heavenly bread for eternal life, but we must eat it. और परमेश्वर जो है वो जीवन का रोटी हमें मुफ्त में देना चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस रोटी को हमें खा लेनी चाहिए। So you should have faith in the Lord Jesus Christ. His eating is equal to faith in Jesus Christ. और यहाँ पर जो रोटी खाने का विषय कहा गया है उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पास तुम्हारा विश्वास होना जरूरी है।
faith in Jesus is not compared or not equal to tasting. और प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास करना वा विश्वास होना उसका मतलब जो है चखना नहीं होता है. The psalmist says, "Taste and see that the Lord is good." Not only tasting. और जैसे कि भजनकार कहता है, चख करके देखो यहोवा कैसा भला है, इसमें चखना ही नहीं है. Sometimes people admiringly look at somebody who is greater than them. और कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है प्रभु के पास वे लोग देखते हैं. If you come to Bombay in Bandra Bandstand, you have this film star staying there, and a lot of people are gathered in the morning to have little bit of a darshan when the film star comes out in his car or goes back inside. They're just waiting hours and hours to see Mr. Bachchan or Mr. Khan or Mr. whoever it is. और क्या करते हैं ना, जो है लोग जो है जिसका जो फिल्म स्टार रहते हैं, नायक लोग रहते हैं, जा करके उनको मिलने के लिए भी लोग तैयार और तत्पर रहते हैं. कोई बच्चन आता है और खान आता है, कोई भी आते हैं तो उस तरीके से उनको मिलने का बेताब वे लोग रहते हैं. So it is not tasting, it is not only admiring, it is with eating. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चखना ही नहीं होता है या फिर जो है किसी को बड़े सम्मान के साथ देखना ही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर खाने के विषय कहा गया है. Jesus says we must have him within us and we must partake of him. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि उनको जो है अपना दिल में जगह देना है और उनके साथ उसके साथ साथ सहभागिता भी रखना है. Seeing a loaf of bread or some delicious dishes on a plate will not satisfy your hunger, but it will move your tongue inside your mouth with because it's filled with a lot of saliva. You are lusting for that food. और यदि मान के चलो कि रोटी में जो है एक प्लेट में रोटी या फिर सब्जी या कुछ रखा गया है, वो सब भोजन यदि वहीं पर रखा जाए, उसको खाओगे नहीं तो फिर तुम्हारा भूख या प्यास कैसे मिट सकता है? आप जो है उसको लालची करते रहोगे, अपना मुंह में जो है लाल भरा हुआ रहेगा और आप उसको जो है चख पाओ नहीं पाओगे, ना कि आप उसको जो है अतृप्त नहीं हो पाओगे. तो Seeing will not satisfy our hunger. और क्या है, देखना ही हमारा जो मन की इच्छा को तृप्त नहीं कर सकता है, हमारा भूख को नहीं मिटा सकता है. Second is knowing the ingredients in the bread or the sabji or the curry will not satisfy our hunger. और दूसरी बात यह है कि उस रोटी में क्या क्या है, सब्जी में क्या क्या बना है या फिर कुछ और पकवान है, उस पकवान में क्या क्या है, इस बात को भी आप जान लोगे तब भी तुम्हारा भूख या प्यास नहीं मिट सकता. So seeing and knowing will not satisfy our hunger. और इसके हम कि हमारा जो है देखना हमारा भूख को नहीं मिटा सकता. Sometimes when we go out for food, before we kind of participate from it, sometimes we take picture of that, you know, birthday cake or something like that. We take pictures. So taking pictures, will it satisfy your hunger? और कभी कभार खाना खाने के लिए हम लोग और कहीं होटल में या फिर कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, मान के चलो कि उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, फोटो वगैरह अपना मोबाइल से फोटोग्राफ कैमरा से जो है फोटो भी ले लेते हैं, अच्छा भोजन है करके, तो क्या ये फोटो लेना तुम्हारा भूख को या फिर प्यास को मिटा सकता है क्या? Telling other people about the bread and the khana what you had will not satisfy our hunger. दूसरों को जो है उस भोजन के विषय में, उस रोटी के विषय में तुम बताते रहोगे तो फिर भी तुम्हारा भूख को तृप्त नहीं कर सकता, नहीं मिटा सकता. Selling the bread will not satisfy our hunger. और रोटी को बेचने से भी आपका भूख या फिर प्यास को नहीं मिटा सकता.
So nothing will satisfy our hunger and bring us to life except actually eating the bread. He who eats this bread will live forever. हम लोग क्या देख सकते हैं कि तुम जो है बेचो या फिर देखो या फिर उसको कुछ भी कर लो, तुम्हारा भूख या प्यास को नहीं मिटा सकता जब तक कि उस रोटी को तुम चख नहीं लेते, खा नहीं लेते, तब तक तुम्हारा भूख और प्यास को नहीं मिटा सकता. So these things he said in a synagogue as he taught in Capernaum, that was in Galilee. और ये सब कुछ बातें उस आराधनालय में जब कपरनहूम में थे, वो कपरनहूम कहाँ पर? न गलील में. ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया. So teaching in Capernaum in a synagogue in Galilee on a Sabbath day. और क्या है ना, जो है सबत का दिन में और कपरनहूम में गलीली में ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं. So many disciples of Jesus Christ, you see in verse 60 to 64, many disciples turned away. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, 62 से यदि 64 में आयत को आप लोग देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे चले थे यीशु को छोड़ करके चले गए. So they were saying this is a hard saying, very hard. He is saying that you have to eat me. So the people took it literally and saying that how can we eat him, eat his body, eat his blood? We can't. This is a hard saying. Who can understand it? और यहाँ पर इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बातें यीशु बता रहा है ये तो बहुत कठिन विषय है. कैसे जो है शारीरिक रूप से हम लोग उसको, उस यीशु को खा ले या फिर काट ले, मांस को खा ले, ये जो है बहुत समझने के लिए बहुत कठिन विषय है करके लोग छोड़ करके चले गए. And he's looking at them and telling them very bluntly onto their face that in verse 64 we read it, but there were some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. और क्या हम लोग देख सकते हैं 64 आयत में बहुत कठोर और कड़क शब्द में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और जो कौन मुझे पकड़वाएगा. If you knew that you are in Jesus' place as the leader of the disciples, and if you knew from the beginning about everybody, including Judas Iscariot, that you know they would betray him, would you have kept him or would you have fired him? और यदि मान के चलो कि जो है आप आ, 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 आप जानते हैं कि इस्करियोत यहूदा यदि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है, तो उस व्यक्ति को जो है आप बहुत प्यार से हैंडल करेंगे या फिर उसको जो है आप फटकार. Yeah, and he is saying, does whatever I said offend you? Jesus did not take it back. He challenged and confronted them even more, little more. और आपने जो कही हुई शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द जो वाक्य कहा है, उस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने वापस नहीं लिया, लेकिन बड़े हियाब के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह ने और कठोर और कड़क शब्द से उन लोगों का सामना किया. So he says, what then if you should see the Son of Man ascend where he was before? और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जो है मनुष्य का पुत्र व परमेश्वर का पुत्र यदि जहां पर पहले था वहीं पर यदि वो चला जाएगा तो क्या क्या होगा करके वो प्रभु यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं. What will you think when you see me in glory? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरे मुझे महिमा में देखोगे तो क्या होगा. Oh, let us go to the Mount of Olives from where he ascended into heaven. The law of gravity was defeated. The Lord Jesus Christ started going up, 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 away from the disciples to where he was before.
और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखना है तो उस जैतून का पहाड़ की ओर हम लोग चलते हैं। उस जैतून का पहाड़ में जो जो है जो आकर्षण शक्ति था, जो धरती की जो दूतावकर्षण शक्ति है वो भी कमजोर पड़ गया। प्रभु यीशु मसीह ऊपर 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 चला गया। And he did not go up like a rocket, but he slowly rose up. And the first thing they saw were the feet of Jesus. हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे हैं, जो आखिरी चीज प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने देखा वो प्रभु यीशु मसीह की पांव थी। So when he went up, they could see the suffering, the sign of suffering, the nail pierced feet, from the bottom they could see up, and they for the first time, you know, he showed them his feet also. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे ऊपर होते हुए जा रहा है, आखिरी में क्या दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह, पहली बार उसकी पांव के जो तलवे हैं उसको वो दिखाता है। वो प्रभु यीशु मसीह कैसा कष्ट और दुख उठाया था, वो जो है कीले से उसकी पांव को छेदा गया था, अपना पांव को भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिखा दिया। Many walked away. बहुत लोग इस बात को सुन करके चले गए। Many of his disciples went back and walked with him no more. और बहुत सारे ऐसे चले थे जो है उनको छोड़ करके चले जाकर के उनके साथ और कभी नहीं चला, कभी नहीं लौटे। So and he says that they were so discouraged and perhaps confounded and confused by the deliberate controversy which happened. You see verse 52, the Jews therefore strove among themselves saying, how can this man give us his flesh to eat? और देखो उन लोगों के साथ जो है इस तरीके से असहमति को हम लोग देख सकते हैं। यहूदी इस बात को कहने लगे, आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्यों कर अपना मांस खाने को दे सकता है करके वे लोग झगड़ने लगे हैं। Spurgeon said, churches have summers like our gardens when all the things are full, but then comes the winter and the emptyings are seen. और क्या कर क्या स्पर्जन इस तरीके से कहते हैं कि हर जो गार्डन में हम लोग देख सकते हैं सब कुछ हरा भरा भरा हुआ है, हर जो है गर्मी का मौसम में सब कुछ हरा भरा भरा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कि जो है उसके बाद ठंड आता है, ठंड के बाद जो कुछ भी हरा भरा है सब कुछ निकल करके चला जाता है। Jesus never wanted his people or his disciples to follow Jesus for material things or temporal motives. प्रभु यीशु मसीह कभी जो है नहीं चाहा कि उनके जो चेले हैं शारीरिक लोभ और लालच या फिर शारीरिक के जो आशीष हैं उसको प्राप्त करके उनका अनुसरण करें। But he has definitely something which no medicine can give, eternal life, and something which will make you eat something which is in faith that you can have a time of your life in your future life. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से वो देना चाहता है, और वही हमसे और आपसे चाहते हैं, वो अनंतता के लिए अपना जीवन को संपूर्ण तरीके से उनको समर्पित करते हैं। Are you preparing yourself to be with the best person in the best place in the best environment and with fullness of joy? क्या अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं जो उत्तम से उत्तम व्यक्ति है, उत्तम से उत्तम जगह है, उत्तम से उत्तम जो है समय को आप लोग व्यतीत करने के लिए क्या अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं क्या? And as the synagogue got emptied, Jesus asked this question to his beloved disciples, do you also want to go away? जो है वो आराधना लय जो है धीरे 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 खाली होने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी पूछते हैं, क्या आप भी चले जाना चाहते हैं? And Peter gave a wonderful statement of faith. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. You are speaking for the 12. और हम लोग देख सकते हैं
पत्रस जो है 12 चेलों में से सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन करके वो कहते हैं, प्रभु आपको छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो जीवन का सोता है, आप तो जीवन के सोते हैं, आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे करके बता रहे हैं। Just imagine the situation. He is doing lot of good things and he is feeding the 5,000. He has done everything whichever was not bad for anybody, but then all the people left him, and then Peter says, oh Lord, to whom shall we go? How much of comfort and joy it would have given to the Lord Jesus Christ. आप just सोच करके देखिए, 5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन खिलाया, और फिर बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह यही सवाल को पूछते हैं आश्चर्य कर्म करने के बाद, कि जो है यही सवाल को, और पत्रस या फिर कोई चेला यदि इसी तरीके से जवाब दिया होता तो प्रभु यीशु मसीह का दिल में कितना तसल्ली, कितना खुशी नहीं मिला होगा। He recognized Jesus as Lord. और हम लोग देख सकते हैं पत्रस जो है क्या किया है, ना यीशु मसीह को प्रभु करके उसने पहचान लिया है। He said, Lord, there is no other alternative. और वो क्या कहता है जो है यीशु को, प्रभु आपके जैसा और कोई नहीं है। Despite all the difficulties, he recognized the value of spiritual things more than material, earthly desires of those who walked away, the words of eternal life. और हम लोग क्या देख सकते हैं, शारीरिक बातें ऐसे बहुत सारे कमी और कमजोरी हैं, ये सब परिस्थितियों के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को जो है उसने पहचान लिया है। Oh, what a revelation! He recognized Jesus as Messiah, means the Christ and God, Son of the Living God. Messiah, the Christ and God, the Son of the Living God. He recognized Jesus. और हम लोग क्या देख सकते हैं प्यारो, ये कितना महान और अद्भुत बातें हैं कि जो है पत्रस क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को मसीहा, प्रभु, और उसके साथ साथ परमेश्वर के संतान के रूप में उसने पहचान लिया है। If you go to 70 and 71, Jesus answered them, Have I not chosen you 12? And one of you is a devil. Oh my goodness. और यदि हम लोग 70 और 71 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या मैंने 12 को नहीं चुना है, लेकिन 12 में से एक ऐसा है वो शैतान है करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। When God created angels, Lucifer was one of them. जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया उसमें से लूसीफर एक था। Angels were created in one act. स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने एक झटके में, पलक झटकते ही प्रभु परमेश्वर ने बनाया था। Similarly, all the angels, the 12 angels, we can say that there were 12 angels walking, but one of them was Lucifer. हम लोग क्या देख सकते हैं, मान के चलो कि जो है 12 स्वर्गदूत वहां पर चल रहे हैं, उस 12 स्वर्गदूतों में से एक ऐसा स्वर्गदूत है वो लूसीफर है। One of them was a diabolos. In Greek, the word means a slanderer, false accuser. और उसमें से क्या है, एक व्यक्ति ऐसा है वो है डायाबोलस। डायाबोलस मतलब जो है झूठा आरोप, झूठा प्रत्यारोप लगाने वाला व्यक्ति है। Even today, there are many followers of the Lord in our day. They are in our pews, they are even in our pulpits. They are sometimes undetected. और हम लोग क्या देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है, दानदार और दिलों और दिमाग में शैतान के समान हैं, और जो है वे लोग प्रचारक भी हो सकते हैं, उनको हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। They betray the Lord and the gospel by their words and their deeds. और आपका और प्रभु जो है वे क्या कहते हैं, तिरस्कार करते हैं अपने कर्मों के जरिए, वे लोग तिरस्कार करते हैं। Now let's go to chapter 7. आइए हम लोग 7वां अध्याय की ओर आते हैं। You know, this chapter 7 is not a very miraculous or stunning chapter. It is a chapter where
we see the people against Christ. और सातवां अध्याय एक ऐसी अध्याय है, हम लोग नहीं देखते हैं कि आश्चर्य कर्म से भरा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ लोग होते हैं। On one side you have his brothers and his kinsmen asking Jesus, "Hey, if you are the Messiah, go and just, you know, show off." और एक साइड में हम लोग देखें तो जो है अपने परिवार के लोग हैं, भाई हैं, सब कोई है, और वे लोग ये कहते हैं, तू यदि मसीहा है तो सभी लोगों को तुम क्यों नहीं बता देते, दिखाओ अपने आप को मसीहापन। He didn't take a drum and beat it and go on the first day of the feast. He went after 3 days and we see him going silently back to the right place at the right time to teach in the synagogue. और हम लोग क्या देख सकते हैं, उसी दिन उसी वक्त जो है डंडोरा मारने जैसा काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, 3 दिन के पश्चात जो है सही समय पर सही वक्त को देखते हुए सही जगह पर जो आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। From the synagogue, he went to the temple on that day. और जो है आराधनालय से प्रभु यीशु ने क्या किया है, उसी दिन में मंदिर में वो प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। And the Pharisees, they could not put their hand on him because the hand of God was upon him. और फारूसी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने मुट्ठी में नहीं ले पाए, पकड़ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर के हाथ जो है उनके ऊपर। So you just imagine that in chapter 6, it took place before the Passover in April, and there's a little bit of time, and we are near the Feast of the Tabernacle, which normally happens in October. In chapter 7 and verse 2 we read about it. आप मान के चलो कि जो है फसह का पर्व है वो अप्रैल का महीना में होता है, और अभी हम लोग जो है इस अध्याय में जब आते हैं तो जो है यहाँ पर एक और जो त्योहार है वो झोपड़ियों का पर्व है, उस पर्व के विषय में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और वो अक्टूबर का महीना में होता है। So Jesus was in Galilee. It was a safe place for the Lord, as those in Judea were waiting to kind of tear him apart and take his life. और क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह को गलील में रहना बहुत ही उनके लिए फायदा था और सुरक्षित जगह थी, क्योंकि यहूदा के जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए वे लोग इंतजार कर रहे थे। एंड वी नो दैट द फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स इज आल्सो नोन एज द फीस्ट ऑफ द इनगैदरिंग वाज अ टाइम ऑफ थैंक्सगिविंग एंड द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और क्या था ये जो झोपड़ियों का पर्व थी, ये पर्व ऐसा है कि जो है सब लोग एक जगह एकत्रित होने का समय था, एक घर के अंदर रहने की समय थी, और उसके साथ साथ ये पर्व को इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि धन्यवाद देने का एक समय था। It was a happy time. और ये एक बहुत ही खुशी का माहौल का समय था। They stayed in booths made of tree branches for 7 days as a reminder of God's provision to them in the desert journey under the leadership of Moses. और वे लोग जो है झोपड़ी में वे लोग करीबन 7 दिन तक रहते थे, और जो मरुभूमि यात्रा को उनको स्मरण करना था, और किसके जरिए, मूसा के जरिए जो है मरुभूमि में इज़राइल के लोगों ने यात्रा किया था, उस यात्रा को स्मरण करने के लिए इज़राइल के लोग 7 दिन तक झोपड़ियों में रहा करते थे। If one brother can take Leviticus chapter 23, Leviticus chapter 23 is the chapter of the feast of Jehovah. You turn from verse 40 to 43, if you read from it, you will see more about the festival of booths, which is also called Sukkot. और हम लोग जो है लेवियों में व्यवस्था उसका 23वां अध्याय 40वां पद से लेकर के 43वां आयत को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर यहोवा का पर्व के रूप में हम लोग वहां पर देख सकते हैं, उसको सुकोत का पर्व के रूप में भी माना जाता था। पढ़िए लेवियों व्यवस्था 23वां अध्याय 40 से लेकर के 43वां पद। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे
वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इसराइली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उसको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। थैंक यू ब्रदर। द फीस्ट सिग्निफाइड दैट गॉड ड्वेल्स विद हिज पीपल। यू आर म्यूटेड ब्रदर, यू आर म्यूटेड। सॉरी। So, हम लोग क्या देख सकते हैं, ये पर्व हमें यही दर्शाता है कि परमेश्वर जो है उस झोपड़ियों में उनके साथ रहता था। And the brothers of Jesus at this time was unbelievers. और इस समय में यदि देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जो भाई लोग थे वे अविश्वासी थे। They were thinking if he really was the Messiah, he should publicly demonstrate it, show yourself to the world. But God's way was a public display on a cross of humiliation. और क्या था ना, उनके भाई लोग यही चाहते थे कि यदि वो मसीहा है तो सभी लोगों के सामने जो है जा करके दिखा दे, लेकिन परमेश्वर की रास्ता, परमेश्वर की प्रदर्शन कुछ और था। और वो प्रदर्शन कहाँ पर, ना उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपना मसीहापन को दिखाना चाहते थे। Let us read John 12:37. It says his brothers did not believe in him. आइए हम लोग जो है योना रचित सुसमाचार उसका 12:37 को पढ़ लेते हैं, जहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि उनका भाई लोगों ने खुद विश्वास नहीं किया। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। But though he had so many miracles done in front of him, yet they believed not in him. और क्या देख सकते हैं, न प्रभु यीशु मसीह ने सभी लोगों के सामने बहुत सारे आश्चर्य कर्म को, अद्भुत कार्य को किया, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। All the males would go to Jerusalem to celebrate the feast of the tabernacles, and Jesus said, I'm not yet going up to the feast. और देखो सभी के सभी इज़राइल के जो बच्चे थे, सब के सब लोग जो है उस झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मैं तो वहां नहीं जा रहा। So, we know of their mother. When Jesus was born, she was a virgin. After that, she got children. और हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के माँ के विषय में, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तब तो प्रभु की माँ बा मरियम जो है कुमारी थी, फिर बाद में हम लोग जानते हैं कि उसने बहुत सारे बच्चों को उसने पैदा किया। John mentions about the brothers of Jesus in John 2:12 and Matthew writes in 12:46 and 13:55. 2:12 of John, Matthew 12:46 and Matthew 13:55. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के भाइयों के विषय में जो है यूहन्ना 2:12 में बताते हैं, और 12:16 में मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती बताते हैं, और 13:55 में भी जो है मत्ती प्रभु यीशु मसीह के भाइयों के विषय में बताते हैं। Can we turn to Matthew 13:55 and 56? We see of all his relations there. और आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13:55 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं, जहां पर उनके जो परिवार वाले हैं उन सभी के विषय में वहां पर बताया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 13:55 और 56
क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसकी भाइयों का नाम याकूब और यूसुफ और शमोन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको यह सब कहां से मिला? So, how many of you thought that Jesus had sisters? आप लोगों में से कितने लोग सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह के पास बहन भी हैं? If you have a doubt, ask us. Read chapter 13 of Matthew and 56. And his sisters, are they not all with us? Not one sister, sisters. He had more than one sister. और यहाँ पर इस बात को समझाया में बहने हमारे साथ नहीं रहते, उसका मतलब एक बहन नहीं बल्कि दो बहन यीशु मसीह के थे। या सो जेम्स, जोसेफ, साइमन, जूडास एंड एटलीस्ट टू सिस्टर्स, सो एंड जीसस, सो टोटली मेरी हैड हाउ मेनी चिल्ड्रन मिनिमम? और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो है अब मरियम के बच्चे थे, जैसे कि हम लोग देखें भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमोन और यहूदा, और उसके बहन भी थे, तो फिर कितने बच्चे हो सकते हैं उनके? मिनिमम मिनिमम यू फॉरगॉट जीसस यदि मान के चलो कि प्रभु जो है किसी स्त्री को 6 या 7 बच्चे हैं, उस स्त्री को कोई कुम्हारी कह सकता है क्या? Today many in the world call her Virgin Mary. She is a respected woman. She is not a virgin. She has to be called as the Mary, the mother of Jesus and Joseph and James and the sisters. So she is a mother of many. Brother, you not audible. और जो है हम लोग देख सकते हैं, नाउ आई एम ऑडिबल, सो टुडे मेनी पीपल कॉल स्टिल कॉल हर वर्जिन मैरी इवन आफ्टर हैविंग 7 चिल्ड्रन। आम आई ऑडिबल? नॉट वेरी क्लियरली। या नाउ यू नहीं लिख दे रही है। या नाउ गो अहेड प्लीज। और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो है हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की मां को जो है कुमारी मरियम के रूप में लोग संबोधित करते हैं, लेकिन उनका जो है कितने सारे बच्चे हैं, जो है याकूब का माँ, यूसुफ का माँ, शमोन की माँ और बहुत सारे ऐसे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यीशु के माँ के रूप में हमें बुलाना चाहिए। If you do these things, then the world will recognize you. और जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, तुम यहूदा में जाओ और क्या करना, तुम यदि आश्चर्य कर्म करते हो तो दुनिया को तुम दिखाओ, ताकि दुनिया के लोग भी समझे जो कर रहे हो उसको देख सके। You can't be famous if you hide like this. If you are so great, go and prove it to the world. His brothers were saying. और उसके भाई लोग क्या कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के भाई कह रहे थे, तुम यदि प्रसिद्ध होना चाहते हो तुम एक जगह नहीं रह सकते, जाओ अपने कर्म को, अपने आश्चर्य कर्म को लोगों को दिखाओ। You know, in Acts 1 and 14, this unbelieving brothers of Jesus Christ, if you read Acts 1:14, we'll see that after his resurrection, the brothers of Jesus were numbered among the disciples. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है प्रेरित काम उसका पहला अध्याय और 14वीं आयत के लिए आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं
प्रभु यीशु मसीह के भाई लोगों को भी उन चेलों के साथ गिना गया, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया था, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। So we find, thank you brother, we find that there's a marvelous transformation in the attitude of his kith and kin after he resurrected. They knew that he was the Lord. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है एक बहुत बड़ा बेदारी को देख सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो करीबी रिश्तेदार हैं, वे सब के सब जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उनके जीवन में बहुत बड़ा बेदारी आता है। Many people who face cruel opposition in public life, they have been sustained by the faith and faithfulness and the prayer of their dear ones. जितने सारे लोग जो है आप बहुत सारे सतावटी का सामना, समस्याओं का सामना किया है, और ऐसे लोग जब सतावटी का सामना करते हैं, ऐसे वक्त में प्रार्थना ही उन लोगों को बचा करके रखा है। आवाज आ रहा है। So Jesus was denied this solace of being supported by his brothers when he was having his ministry and when he was opposed. These chapters are full of opposition to the Lord. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह अपने जो पब्लिक मिनिस्ट्री को भी कर रहे थे, सेवा को कर रहे थे, समाज के बीच में बहुत सारे ऐसे भाई थे, वे सब के सब लोग क्या कर रहे थे, ना प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ होकर के उनका विरोध करने लगे। Jesus has called us his brothers, and whenever he needs us, are we there with him to suffer with him? प्रभु यीशु मसीह के जो छह भाई और बहन थे, उसमें से आप और मैं गिने जाते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह जब कष्ट और दुख को उठाते हैं, ऐसे वक्त में अपने भाइयों के बीच में जो दुख और तकलीफ होती है, क्या उनके बीच में उनके साथ आप और मैं खड़े रहते हैं? Or do you want to wait till, you know, he has resurrected and gone? Then only his brothers believed in him and they became among the disciples. So you have to do something to follow the master daily before it's too late also. Kya aap isi ka intezar kar rahe hain ki prabhu yeshu masih punaruthit ho karke jo hai swarg mein gaye hain, jaise ki apna अब प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग इस बात को इंतजार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर के चले जाए ताकि विश्वास करें, इसी बात का भी आप भी इंतजार कर रहे हैं क्या? So do you see Jesus' reply? Jesus replies in a sense to say that we are of two different worlds. You are somewhere, I am somewhere. और देखिए उनके चेले लोगों का, जो उनका भाई लोगों का उत्तर को देखें कि जो है तुम और किसी दुनिया के हैं, हम किसी दुनिया के हैं, करके इस तरीके से बातें करने लगे। So he says, the world cannot hate you because you are of this world. और इस संसार जो है तुमको नफरत नहीं कर सकता क्योंकि आप सब के सब इस संसार के हैं। The world hated Jesus because he was not of this world. और प्रभु यीशु मसीह को ये संसार इसीलिए नफरत किया क्योंकि यीशु मसीह संसार के नहीं थे। So he came as a light and like a torch is pointed at the darkness, he pointed out the sin of the world and rebellion against the Father. और हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह अंधकार जगत में एक ज्योति के स्वरूप आए, अंधकार में जो है एक उजियाला बनकर के टॉर्च जैसा जो है उनके पापों को उजागर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जैसे कि पिता ने उनको इस संसार में भेजा था। Just imagine a stranger coming to the house and your children are so naughty, he comes and takes a stick and whacks them up and says that obey your parents. मान के चलो कि कोई अजनबी आपका घर पे आता है, आपके बच्चे बहुत ही दुष्ट है, बदमाश है,
और उन बच्चों को जो है एक डंडा ले करके वो पिटाई लगाते हैं और अपना मम्मी पापा की बातों को जो है आपको मान करके चलना होगा करके कहते हैं, तो कैसा लगेगा? So this worldly parents will run after that man, take the stick from him and beat him up black and blue. और क्या करेंगे कि इस संसार के माता पिता तो जो है उसके हाथ से ही, उस अजनबी के हाथ से ही छड़ी को छुड़ा लेंगे और उसको भी जो है बहुत ही उसको कुटाई करेंगे. The world has its plans, its programs, its values. But what Christ witnessed was that it was all evil. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये संसार जो है अपना योजना, अपना सब कुछ उसने बना करके रखा है. प्रभु यीशु मसीह ने क्या उनका सामना किया, जो है संसार की दुष्टता मंदता का ही जो है प्रभु यीशु मसीह ने सामना किया है. So when somebody points out the sin and tries to correct the sinners, there is always lot of difficulty and lot of opposition. क्या है, ना कोई व्यक्ति यदि सामने वाला व्यक्ति का पापों को यदि पा लेता है और जो है उसका पापों के और जो है वो उंगली करता है और उसको सुधारने का प्रयास करता है, बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे जो है विरोधाभास का सामना करना पड़ सकता है. World cannot hate you, but it hates me because I testify of it that its works are evil. ये संसार जो है आपको नफरत नहीं कर सकता, वो मुझे नफरत कर, क्योंकि मैं जो है उनका दुष्टता और उनकी जो भ्रष्टता को मैं उजागर करता हूँ, इसीलिए वे मुझे नफरत करते हैं. He tarried a while and he said, "You go up to the feast. I'm not yet going up for this feast, for my time has not yet fully come." और जो है तुम क्या करना, तुम उस त्योहार मना करके चले, त्योहार मनाने के लिए चले जाना, मेरा समय नहीं आया है और मैं वहां पर अभी नहीं जाता करके. So in this passage, the word my time means kairos, which means an opportunity that is the best time to do something. और यहाँ पर एक शब्द को इस्तेमाल किया गया है जो समय का, वो है kairos. Kairos का अर्थ यही होता है कि एक अच्छी मुहूर्त, एक अच्छी समय को देख करके जाना होता है. So similarly, we have to take a lesson from the life of Jesus that he chose the his moments and the circumstances when it was not suitable, he did not go, but he did go. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह ने सही समय का इंतजार किया, जब सही वक्त आता है उसी समय में ही प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर गया है. So God's timing is an important expression of the Son being doing things in the will of His Father. और जो है यीशु मसीह का जो समय को विषय में देखें, कार्य के विषय में देखें, तो पिता परमेश्वर का जो योजना के तहत जो कार्य को नियुक्त किया गया है, उसी समय ही प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को करते थे. And we see in verse 10 to 13. Jesus goes up to Jerusalem, where many secretly are discussing about it. Where is he? Where is he? जब प्रभु यीशु मसीह जो है, हम लोग सातवां पद से लेकर के तेरहवां पद तक यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, ना वहां के लोग धीरे से गुप्त तरीके से जो है वे लोग चर्चा करने लगे हैं, वो कहां पर है, कहां पर है. So his brothers went up to Jerusalem. After that, he also went up to the feast, not openly, but in secret. और हम लोग जैसे कि उनके भाई लोग उस पर्व को, झोपड़ियों का पर्व को मनाने के लिए वे लोग जाते हैं, उसके पश्चात, उसके पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह भी जो है जाते हैं, सभी लोगों के सामने पब्लिक तरीके से नहीं, बल्कि जो है वो रहस्यमय तरीके से, गुप्त तरीके से भी जाते हैं. He went after them, traveling alone, almost in secret. और क्या किया थे प्रभु यीशु मसीह ने, ना वो रहस्यमय तरीके से वो अकेले यात्रा किया है. And you see, he did not go up openly, he went up on his own, not because his brothers instigated him, nor with the publicity they had recommended to him. So he went on his own, all alone.
और हम लोग क्या देख सकते हैं, उनके भाई के जानकारी के अनुसार नहीं बल्कि वो अकेले ही अपने आप गए हैं, जैसे कि अपना भाई लोग कह रहे थे जाओ अपने आप को दिखाओ, उस तरीके से उस बात को मान करके नहीं बल्कि अकेले अपने आप प्रभु यीशु मसीह गए। So Jesus is not there, people start talking about him, they were complaining among the people because they wanted Jesus to fulfill their wishes for the Messiah and you know liberate them from the Roman rule. और लोग जो है गुप्त तरीके से धीरे धीरे वे लोग इस बात को करने लगे हैं क्योंकि जो है वो वे लोग ये चाहते थे कि जो रोमियो का साम्राज्य व रोमी लोगों की जो शासन थी उनसे उनको आजाद कर दे, उनको रिहा कर दे, यही वे लोग चाहते थे। Some said he is good. कुछ लोगों ने कहा वो अच्छा है। Some said he deceives the people. और कुछ लोगों ने ये भी कहा वो तो दूसरों को धोखा दे। Even today, Jesus divides people. और आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को विभाजित करता है। Those who have heard him and known him cannot remain neutral. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसको सुने हैं, वे लोग जो है यहाँ का ना वहां का ऐसा होकर के नहीं रह सकते। However, no one spoke openly of him because they feared. क्या है न सभी लोग जो है खुल करके ये बात को नहीं कह पा रहे थे क्योंकि वे सब के सब डरे हुए थे। If you come to verse 14 to 18, the religious leaders are objecting that Jesus did not pass 10th standard, 12th standard, BSc, BA, BCom. He has no degree. और क्या है ना जो है 14 अध्याय से 16 या फिर आगे तक आप लोग पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो यहूदी लोग थे वे लोग इस बात को चर्चा करने लगे हैं क्योंकि ये तो जो है 10वीं ना 12वीं ना। So we see that in the middle, verse 14, now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. So we see in verse 14 that in the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. और 14 पद में इस बात को हम लोग पढ़ सकते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जा करके उसने उपदेश देने लगा। How does this man know letters, having never studied? और ये व्यक्ति जो है पढ़ना इसको कैसे आता है क्योंकि अपने जीवन में उसने कभी जो है स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं किया। He had no certificate. और उसके पास जो है उसका पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। But this man was taught not by the schools, not self-taught, but he was God-taught. और क्या हम लोग देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है इसको कोई इंसान या कोई स्कूल उनको शिक्षा नहीं दिया है बल्कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को शिक्षा दिया है। Jesus went up into the temple and taught. He went by the back door. Slowly but steadily he reached the place. He taught boldly. He never shrank back from proclaiming the truth. भले प्रभु यीशु मसीह चुप चुप करके जो है उस यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और पीछे के हिस्से में मंदिर में प्रवेश करते हुए बहुत हियाब और हिम्मत दिखा करके जो है सभी लोगों के सामने इस बात का प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने लगे हैं, बिल्कुल भी नहीं डरे। Many of the Jewish leaders knew that Jesus has not studied under a rabbi as Paul studied under Gamaliel. Jesus did not follow the normal and expected course of education for a teacher. और हम लोग क्या देख सकते हैं बहुत सारे यहूदी लोग इस बात को भी जानते थे जैसे कि पौलुस ने गमालियल के अंडर में रहते हुए उसने शिक्षा को प्राप्त किया है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कोई गुरु या फिर कोई शिक्षक के नीचे में रहते हुए उसने अध्ययन नहीं किया है और एक कैसा शिक्षक बन सकता है। He says, my doctrine is not mine, but his who sent me. I don't have a seminary degree, but judge me by my doctrine. और हम लोग क्या देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि
मेरा उपदेश जो है मेरा नहीं है, कि कई स्कूल में मैं विद्या वा जो है पढ़ाई करके मैं शिक्षा नहीं दे रहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मेरे उपदेश को लेकर के तुम इस बात को न्याय करो करके कहते हैं। His authority was not from any man, but from his father. और उनकी जो अधिकार था, उस अधिकार देने की शिक्षा जो थी, वे उनका नहीं था, बल्कि ये पिता परमेश्वर का था। Spiritual understanding is not produced by learning facts or procedures, but it depends on obedience to known truth. और जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, आत्मिक जो शिक्षा होती है वो आप जो सच्चाई को इधर उधर से पाते हैं वो नहीं है। आत्मिक शिक्षा, आत्मिक जो उन्नति क्या होता है, उस सच्चाई को जानने के बाद आपको मिलती है। Jesus is totally different from those who speak for themselves and who seek for their own glory. और प्रभु यीशु मसीह जो है उन सभी लोगों से वे अलग थे, उनका शिक्षा अलग था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना महिमा को, अपना बढ़ाई पाने के लिए ही वे लोग शिक्षा को देते हैं। So Jesus sought the glory of God. और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, ना जब भी उन्होंने उपदेश किया परमेश्वर का महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो, इस बात को उन्होंने चाहा है। There was no unrighteousness in him. प्रभु यीशु मसीह में कोई अधर्मिकता या अधर्म नहीं थी। So in Jesus we see two measures of a good and true teacher. और हम लोग प्रभु यीशु मसीह में दो ऐसे गुणों को देख सकते हैं, वो एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी शिक्षक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। One is, does the teaching come from God? What it means is it according to the revealed word of God? That is number one. और सबसे पहली बात को हम लोग क्या देख सकते हैं, जो वचन है ये परमेश्वर की जो प्रकाशित किया गया उस वचन से है कि नहीं, वो सबसे पहली बड़ी बात है। And the second point is, does the work give glory to God? और जो उपदेश, जो वचन को आप देते हैं, क्या वो वचन परमेश्वर को महिमा लाता है कि नहीं? The people answered and said, you have a demon who is seeking to kill you. और हम लोग क्या देख सकते हैं, लोग ने इस तरीके से जवाब दिया है, तुम तो शैतान का संतान हो और वो तुमको मारने के लिए चाह रहा है। I did one work and you are marvel. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने तो एक कार्य किया और तुम तो चकित हो गए। He is talking about the Bethesda recovery of that man who was there for 38 years. I did one work and you all marvel. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो बेथेस्दा का पुल में 38 साल से जो व्यक्ति पड़ा हुआ था, इस कार्य को देख करके तो तुम तो चकित हो गए थे, एक ही काम को तुमने देखा। Moses gave them circumcision and they used to circumcise a man on what day? On the Sabbath day. Sabbath day? On the Sabbath day they used to circumcise the person. और हम लोग मूसा ने जो है आज्ञा दिया था और कोई बच्चा होता है तो उसको जो है सबत का दिन में उसका खतना किया जाता था। So if a man receives circumcision on the Sabbath, is the law of Moses broken? और कोई व्यक्ति यदि जो है सबत का दिन में उसका यदि खतना किया जाता है, क्या मूसा का उस व्यवस्था को तुम उल्लंघन कर रहे हो क्या? He's asking, are you angry with me because I've made a man completely well on the Sabbath day? प्रभु यीशु मसीह इस बात को पूछते हैं कि जो है सबत का दिन में उस व्यक्ति को मैंने स्वस्थ किया है, इसीलिए तुम जो है मुझसे ना खुश हो और तुम मुझसे जो है क्रोध करते हो। And do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि जो है बाहिक तरीके से देख करके तुम जो है दूसरों का न्याय मत करो, लेकिन उसकी कार्य को देखो और उसकी न्याय करो करके और धार्मिकता से न्याय करो करके इस बात को बताते हैं। If you can cut away the flesh in circumcision, which is mentioned in Leviticus 12:3, it is even more right to make a completely a man well on the Sabbath as Jesus did. और यदि लेवीय व्यवस्था उसका 12 अध्याय तीसरा पद में यदि किसी व्यक्ति को उसको जो है खतना करते हो, यदि वो सही है
तो मैं जो है 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसको मैंने स्वस्थ किया, तो जो है वो कौन सा गुनाह है? So let us not judge according to appearance. If you see the iconic figure of justice as a blindfold and he's holding, that person is holding the balance, he is blindfolded. So do not judge according to appearance. Don't go by what is in your eye, but judge with righteous judgment whenever you do a small thing or a big thing. That is what Jesus was telling them. And that is what is the lesson for today. We'll close here. और मेरे प्यारो, जैसे कि किसी व्यक्ति को तुम देख करके उसका न्याय मत करो, उसका सुंदरता या फिर उसका रूप पान को देख करके न्याय मत करो। जैसे कि न्याय सिंहासन में हम लोग देख सकते हैं, एक व्यक्ति है आंखों में पट्टा बांध करके, तराजू पकड़ करके वो खड़ा है, वैसे ही है न्याय के साथ उस व्यक्ति का जो है, धार्मिकता के साथ जो है उस व्यक्ति का न्याय करो। प्यारो, इस बात को आज हम लोगों ने सीखा है, वही है आज का सीख आपके और मेरे। Thank you for the wonderful translation. Thank you for your patient listening. I'll be taking a break for a few weeks. And till that time, God be with you and God be with us all. And God bless the today's effort in the morning and in the evening. God bless you all. Thank you for the time. And thank you once again. और बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हफ्तों के लिए हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और आप लोगों ने ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Uncle, we want to thank you for your wonderful teaching, and it is, yes, indeed, it was a heart-touching teaching that you have given. God bless you, dear Uncle. Thank you so much for your precious time. You are always available for